एंड सच डे स्पोर्ट्स। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू सर? गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू सर? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू सर? हाउ आर यू सर? वेरी गुड, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाउ आर यू सर? फाइन बेटा। गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। चलो लेट्स मीट एवरीवन। ओके सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ। सो यहां पर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर एंड हमने फैक्ट्स के बारे में लर्न किया था। हमारे मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स क्या थे? मल्टीप्लाइंग बाय वन ड्यूटी, मल्टीप्लाइंग बाय वन ड्यूटी। अगर किसी भी नंबर को वन से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका जो प्रोडक्ट है, जो आपका आंसर है, वो आपका नंबर इटसेल्फ ही रहेगा। जैसे मैंने आपको लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था 12 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 12। तो यहां पर हमने मल्टीप्लीकेशन किया 1 के साथ, दैट्स वाई हमारा जो आंसर है हमारा वो एज इट इज रहेगा नंबर इटसेल्फ। Then after multiplying by zero, when we multiply any number with zero, we get as a product zero. अगर किसी भी नंबर का जीरो से मल्टीप्लीकेशन होता है तो हमारा आंसर जीरो हो जाएगा, फिर चाहे वो कोई भी नंबर हो। ओके चलो, देन आफ्टर ऑर्डर प्रॉपर्टी। ऑर्डर प्रॉपर्टी मीन्स जहां पर आप नंबर ऑर्डर को चेंज कर सकते हो। अगर आप चेंज करते हो फिर भी जो आंसर है उसमें कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। अगर जब भी आप उसके आंसर को चेंज कर, मतलब आप उसके ऑर्डर्स को चेंज करते हो, फिर भी आपका जो आंसर है वो एज इट इज रहेगा। जैसे कि 12 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू, पहले तो 0 होता है राइट, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 12, 0 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल टू ऑल्सो 0। तो यहां पर आपको जीरो की प्रॉपर्टी भी देखने को मिल गई और ऑर्डर प्रॉपर्टी भी देखने को मिल गई। देखो 12 को हमने यहां पर इंटरचेंज कर दिया और जीरो को यहां पर इंटरचेंज कर दिया, फिर भी जो हमारा आंसर है वो हमारा एज इट इज है। ओके ग्रुप आप
आपका पेज नंबर है 86। मैं यहाँ पर पेज नंबर लिख रहा हूँ, पेज नंबर है आपका 86। टॉपिक है इक्वल ग्रुप। तो इक्वल ग्रुप में जो आता है तो इक्वल है वन टू थ्री फोर वन है थ्री वन है टू थ्री एंड यहाँ पर मेरे पास फोर प्लेट्स हैं और हर एक प्लेट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पर यहाँ पर है प्लेट के अंदर करूंगा तो पर वन है यहाँ पर टू है यहाँ पर थ्री है यहाँ पर sorry for the inconvenience because of the network issue session was being ended. Okay, चलो continue. Equal grouping means जितने भी हमारे प्लेट्स है उसके अंदर equal number होंगे तो उसे equal grouping कहेंगे. Equal grouping मतलब अगर यहाँ पर 2 है तो सबके अंदर 2 होने चाहिए तब वो equal होता है. But यहाँ पर ऐसा नहीं है. यहाँ पर देखो 1 है यहाँ पर 2 है यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है. तो दैट मीन्स ये जो हमारे नंबर्स है वो ऑन इक्वल ग्रुप्स है. कौन से ग्रुप है हमारे ऑन इक्वल ग्रुप्स है. तो ऑन इक्वल ग्रुप्स का होता है एडिशन. ऑन इक्वल ग्रुप का होता है यहाँ पर एडिशन. तो 1 प्लस 2 3 3 प्लस 3 6 6 प्लस 4 10. That means यहाँ पर टोटल जो है वो 10 मंथ है. टोटल 10 मंथ है. ओके नंबर अवेलेबल है तो यहाँ पर हम भरे के अंदर 2 2 1 आएंगे तो वो बन जाएंगे हमारे 10 वन टू थ्री फोर एंड हम 2 5 इक्वल देखो यहाँ एड क्या हुआ यहाँ भी बनते
चलो लेट्स कंटिन्यू अगेन। चलो इक्वल ग्रुपिंग, अब इक्वल ग्रुपिंग के अंदर यहाँ पर हमें सभी के अंदर टू टू बॉन्ड्स दिए गए हैं, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर ऑल्सो 10। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर अगेन 10, तो यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, मतलब जो हमारा ये बॉन्ड है वो इक्वल नहीं है, दैट मीन्स वो ऑन इक्वल पार्ट है, और ये हमारे इक्वल पार्ट है। यहाँ पर दो टाइप के पार्ट थे हमारे, अन इक्वल एंड इक्वल। तो जो भी हमारे पार्ट में इनका यहाँ पर एडिशन होता है, जो अन इक्वल पार्ट होते हैं उसका एडिशन होता है। एंड वन इम्पोर्टेंट थिंग इज, जो हमारे इक्वल नंबर होते हैं उसका हम मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। अब इक्वल नंबर का मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा, लेट्स सी। तो यहाँ पर हर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ग्रुप कितने हैं, 1, 2, 3, 4 and 5। तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप इज 5, दैट मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय हर एक ग्रुप के अंदर कितने बंस हैं, हर एक ग्रुप के अंदर 2 बंस हैं, दैट मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय 2। सो 5 टू 10, तो हमारा आंसर जो है वो आ चुका है। ओके, तो यहाँ पर जो इक्वल ग्रुप्स होंगे उसका हम मल्टीप्लीकेशन कर पाएंगे, और जो अन इक्वल ग्रुप होगा उसका हम मल्टीप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे, उसका हमें करना पड़ेगा एडिशन। ओके, ओके, वंस अगेन आई रिपीट दिस वन, जो ऑन इक्वल पार्ट होंगे, जिसके हर एक ग्रुप के अंदर इक्वल नंबर ऑफ पार्ट नहीं होंगे, वो हमारे एडिशन होंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर एडिशन किया था तब जाकर यहाँ पर 10 बना था, बट इक्वल पार्ट होंगे तो मैं 5 मल्टीप्लाई बाई 2 कर सकता हूँ। 5 का मतलब होता है नंबर ऑफ ग्रुप, 1, 2, 3, 4 and 5, और ईच ग्रुप देयर इज अ 2 नंबर। चलो आई होप कि आपको यहां पर क्लियर हो चुका होगा। एंड वन मोर थिंग, जो हमारा क्रॉस की साइन होती है वो हमारे मल्टीप्लीकेशन की साइन होती है, तो मैंने आपसे कल भी डिस्कस किया था, राइट। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 1। एक्सरसाइज नंबर 1, चलो एक्सरसाइज नंबर 1 के अंदर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द सेंटेंस फॉर द नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन ईच पिक्चर, डिड यू एड द मल्टीप्लाई, सर्कल द ऑप्शन। ओके, तो चलो पहले हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, चलो क्वेश्चन नंबर ए, चलो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट प्लेट के अंदर 2 बंस है, सेकेंड प्लेट के अंदर 3 बंस है, थर्ड प्लेट के अंदर यहाँ पर 4 बंस है, दैट मीन्स ये इक्वल ग्रुपिंग है या अन इक्वल ग्रुपिंग है, ये इक्वल ग्रुपिंग है या अन इक्वल ग्रुपिंग है। ऑब्वियसली इट्स अन इक्वल ग्रुपिंग, बिकॉज यहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ पार्ट को शेयर नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर 2 है तो तीनों के अंदर 2 होने चाहिए, उसे इक्वल ग्रुपिंग कहते हैं। अगर यहाँ पर 3 है तो तीनों के अंदर 3 होने चाहिए, अगर यहाँ पर 4 है तो तीनों के अंदर 4 होने चाहिए, जिसे हम कहते हैं इक्वल नंबर ऑफ ग्रुपिंग, उसे हम कहते हैं इक्वल नंबर ऑफ ग्रुपिंग।
बट यहाँ पर ऐसा नहीं है. ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हो पहले है टू टू प्लस थ्री प्लस थ्री प्लस फोर. तो यहाँ पर इन तीनों का एडिशन क्या होगा, टू प्लस थ्री फाइव, फाइव प्लस फोर देर इज अ नाइन, दैट मीन्स द आंसर इज नाइन. तो यहाँ पर हमारा एडिशन होगा बिकॉज ऑफ द अनइक्वल ग्रुपिंग. तीनों जो है वो हमारे अनइक्वल ग्रुप है, इसलिए इसका होगा हमारा एडिशन. ओके अगर इक्वल नंबर ऑफ ग्रुपिंग होता तो हम यहाँ पर करते मल्टीप्लीकेशन. तो यहाँ पर आपका होगा आई एड एड अदरवाइज. तो यहाँ पर आपको सर्कल करना है एड एड पे, इस तरह से आपको इसके ऊपर सर्कल करना है. ओके आपको जो इस तरह से दिया हुआ है तो उसके अंदर एड एड करना है, बिकॉज ऑन इक्वल ग्रुप को हम करते हैं एड और इक्वल ग्रुप को करते हैं हम मल्टीप्लाई. ओके राइट डाउन. चलो फर्स्ट वन इज डन. चलो सेकेंड वन आपको होमवर्क में करना है बी. नाउ वी आर गोइंग फॉर द सी क्वेश्चन नंबर सी. चलो यहाँ पर हमारा है क्वेश्चन नंबर सी. ओके अब क्वेश्चन नंबर सी के अंदर हमारे पास यहाँ पर है हर एक ग्रुप के अंदर सिक्स सिक्स वन. आप देख सकते हो यहाँ पर भी सिक्स है, यहाँ पर भी सिक्स है और यहाँ पर भी सिक्स है. दैट मीन्स ये इक्वल नंबर ऑफ ग्रुपिंग है. क्या है हमारा इक्वल नंबर ऑफ ग्रुपिंग. तो आप बताओ कि इक्वल ग्रुपिंग के अंदर क्या होगा, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन. यहां पर एडिशन होगा या मल्टीप्लिकेशन होगा. तो यहां पर आपको पता है कि जब इक्वल नंबर ऑफ ग्रुपिंग होता है तो वहां पर होता है आपका मल्टीप्लीकेशन. कैसे होगा तो देखो सभी के अंदर इक्वल नंबर ऑफ ग्रुप है एंड नंबर ऑफ ग्रुप कितने हैं, नंबर ऑफ ग्रुप यहां पर थ्री है. तो यहां पर आपका आंसर होगा थ्री मल्टीप्लाई बाय सिक्स. थ्री का मतलब होता है नंबर ऑफ ग्रुपिंग. नंबर ऑफ ग्रुप कितने हैं, वन टू एंड थ्री, दैट मीन्स थ्री and each group there is a six one, that means we have to multiply with the six and the answer is 3 6 the 6 3 the 18. तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा 18. चलो डन. और आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला जो है उसके ऊपर सर्कल करना है. देखो आपको यहाँ पर एक कॉमन चीज ये याद रखनी है कि जो इक्वल नंबर ऑफ ग्रुपिंग होगा वहां पर आपका मल्टीप्लीकेशन होगा और जो अन इक्वल ग्रुपिंग होगा वहां पर आपको करना है एडिशन. ओके okay?
हाँ बेटा मनस्वी, क्या डाउट है बेटा, एनी प्रॉब्लम? यस मनस्वी बोलो बेटा। सर मैं ना थोड़ी देर पहले आपका वीडियो नहीं देख रहा था, इसीलिए मैंने रेजन किया था। हाँ तो नेटवर्क इश्यू यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, यहाँ पर थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम हो गया। जैसे द्विज आपको कुछ बोलना था बेटा? द्विज हेलो द्विज, कुछ बोलना था आपको? यू आर ऑन म्यूट नाउ। हेलो हेलो द्विज, हेलो सर, हेलो सर, वो इक्वल ग्रुपिंग वाला आपने स्टार्ट किया ना, तब भी से आपका वीडियो बंद है सर। तो मैं फोन दिखा रहा है, एक बार मैं पॉप करके अब भी स्टार्ट हुआ, जब आपने मनस्वी का ऑन किया ना तभी आपका वीडियो स्टार्ट हुआ। ओके, बिकॉज ऑफ ये नेटवर्क इशू की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। वाला आपने स्टार्ट किया ना तभी से आपका वीडियो बंद है, वो साउंड भी नहीं आता है बीच बीच में। डोंट वरी। ओके ओके सर। Once again I repeat about equal grouping and unequal grouping. First of all, equal grouping means जहाँ पर आपके हर एक नंबर के अंदर equal number of amount, जैसे कि for example यहाँ पर C है तो इसके अंदर 6 ones है, यहाँ पर भी 6 ones है और यहाँ पर भी 6 ones है, that means equal number of grouping. अगर यहाँ पर 4 plates होती और हर एक के अंदर 2 ones होते, हर एक के अंदर 2 बंस होते, दैट मीन वो हमारा इक्वल नंबर ऑफ ग्रुप होता, वो क्या होता हमारा इक्वल नंबर ऑफ ग्रुपिंग। और जहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ जो ग्रुपिंग देखने को मिलते हैं वहां पर आपका होता है एडिशन, जैसे कि आपका फर्स्ट प्लेट के अंदर 2 बंस, सेकेंड प्लेट के अंदर 3 बंस, फोर्थ थर्ड ग्रेड के अंदर आपके 5 बंस, तो जिसके भी अंदर अलग अलग हमारे जो ऑब्जेक्ट होंगे, जो हमारे नंबर ऑफ आइटम होगी, तो वहां पर हमें करना होगा एडिशन। ओके, और यहाँ पर हमारा होगा मल्टीप्लिकेशन बिकॉज ऑफ इक्वल ग्रुपिंग। इक्वल ग्रुपिंग का मतलब होता है जितने भी हमारे ग्रुप है उसके अंदर हमारे इक्वल अमाउंट होने चाहिए। अगर बिस्किट है तो सारे बिस्किट इक्वल होने चाहिए, इसकी जगह कुछ और हो तो वो भी यहाँ पर इक्वली होना चाहिए। ओके, That's why यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ इक्वल ग्रुपिंग के अंदर आप मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 6, तो पहले तो इसका मतलब ये है 3 का मतलब नंबर ऑफ ग्रुपिंग, नंबर ऑफ ग्रुपिंग कितने हैं 1, 2 and 3, और 6 का मतलब है इन ग्रुप देयर इज अ 6 वन, इन ईच ग्रुप देयर इज अ 6 वन। ओके यस, हाँ आ रहा हूँ, आप कुछ बोल रहे हो बेटा? यस आ रहा हूँ बेटा। हेलो
हेलो बेटा, आवाज नहीं आ रही है। हेलो बिकॉज टू नेटवर्क इश्यू। यस आरव बेटा, नेटवर्क इश्यू जैसे प्रॉब्लम है। अनम्यूट, बट यहाँ पर नेटवर्क इश्यू की वजह से अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। मैंने ऑलरेडी अन कर दिया था। मैंने आप दो का बेटा अनम्यूट कर दिया है, बट फिर भी नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ द नेटवर्क इश्यू। मेरी उम्र बता रही है बेटा। हाँ बेटा, अभी आप क्या कर रही हैं? बोलो बेटा। सर हाँ, आगे बोलो। सर आपका वीडियो है ना, हाँ बेटा, बिल्कुल आगे बोलो। और चैट चैट भी ऑफ रखा है, बट वीडियो आपको और चेकबुक ऑलरेडी ओपन के लिए हमें कहा गया है। मैं चेकबुक ओपन करना बताया। ओके, लास्ट 10 मिनट आगे के लिए करता है। Sometimes there is a network issue. यस सर, मुझे हाँ पता है बोलो। सर। नेटवर्क तो ऑन तो रखो, मुझे कुछ बिल्कुल बिल्कुल, लास्ट 10 मिनट्स में आपको फोन करवाने की ट्राई करेंगे। आपकी नेटवर्क इशू की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। और इसको टेक्निकल प्रॉब्लम सर, आपकी वीडियो सर, आपकी वॉइस कट कट के आ रही है।
हेलो डियर स्टूडेंट, नेटवर्क इश्यू की वजह से आपको मेरा कभी भी वीडियो और कभी भी वॉइस वो नहीं सुनाई दे रही है। इट्स ऑल अबाउट नेटवर्क इश्यू, यहाँ से हम कोई भी ऑफ या ऑन नहीं कर रहे हैं। इट्स ऑल अबाउट नेटवर्क इश्यू, तो नेटवर्क इश्यू की वजह से आपको ये वॉइस एंड वीडियो कभी भी बंद हो जाता है। ओके, सॉरी फॉर दैट। ओके, लेट्स कंटिन्यू द फॉर्म। इक्वल ग्रुपिंग, इन इक्वल ग्रुपिंग देयर इज अ सिक्स फ्लैट एंड ईच फ्लैट हैज अ सेवन वन, हर एक फ्लैट के अंदर सेवन वन अवेलेबल है। सर, आप इसकी पीडीएफ भेजोगे? हम लोग डेली ऑलरेडी भेजते हैं बेटा, उस पर बोलने की क्या जरूरत है, हम तो डेली भेजते हैं। थैंक यू। ओके बेटा, हम लोग ऑलरेडी वीडियो शेयर करते हैं डेली, जो भी हमारा लेक्चर यहाँ पर होता है उसका रिकॉर्डेड वीडियो हम लोग डेली आपको शेयर करते हैं आपके ग्रुप के अंदर। ओके, चलो यहाँ पर हमारे पास इक्वल नंबर ऑफ ग्रुपिंग पार्ट्स है। तो मैंने आपसे कहा था कि इक्वल नंबर ऑफ ग्रुपिंग पार्ट होगा तो हमें एडिशन करना है या मल्टीप्लीकेशन करना है। तो मैंने आपसे कहा था कि जब इक्वल नंबर ऑफ ग्रुपिंग होगा तब हमें मल्टीप्लीकेशन करना है, और जब हमारा अनइक्वल ग्रुपिंग होगा तब हमें एडिशन करना है। ओके, तो यहाँ पर आपका जो है वो मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, बट यहाँ पर आपको सिर्फ सेंटेंस लिखने हैं कि ये जो आपको पिक्चर के अंदर दिया गया है उसे आप किस तरह से सेंटेंस के अंदर लिख सकते हो। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर है डैश ग्रुप्स ऑफ डैश, डैश मतलब कि यहाँ पर आपको कितने ग्रुप्स दिए गए हैं और हर एक ग्रुप के अंदर आपको कितने बॉन्ड दिए गए हैं। तो यहाँ पर आपके कितने ग्रुप्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5 and 6। तो देयर इज अ टोटल नंबर ऑफ ग्रुप इज 6। 6 ग्रुप ऑफ कितने आपके बॉन्ड हैं? हर एक ग्रुप के अंदर 7 बॉन्ड है। दैट मीन्स 6 ग्रुप्स ऑफ 7 बॉन्ड, दैट मीन्स अगर इसका मल्टीप्लीकेशन होगा तो 6 7 42, तो आपका यहाँ पर आंसर होगा 42। अब एक सेंटेंस को हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो सेंटेंस को हम दूसरा किस तरह से लिख सकते हैं? तो देखो, 6 7 यहाँ पर 6 7, तो 6 7 का कितना होता है? 6 7 का यहाँ पर होता है 42। तो एक दूसरी ये मेथड भी है जिससे हम लोग नंबर को इस तरह से बता सकते हैं। ये जो मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको वो इसकी आंसर है, मतलब कि इसे किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम लोग, नंबरों को रिप्रेजेंट कैसे करना है वो आपको यहाँ पर दिखा रहा है। आप इसे 6 ग्रुप ऑफ 7 भी कह सकते हो, 6 7 का भी कह सकते हो, अदरवाइज 6 मल्टीप्लाई बाय 7, 6 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल टू 42, आप ये भी कह सकते हो। तो यहाँ पर हमारे पास 3 सेंटेंस है, अब तीनों सेंटेंस से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, चलो, तो यहाँ पर हमारा जो लेक्चर है वो ओवर होता है। आई नो कि आज हमारा बहुत सारा जो है वो मतलब नेटवर्क की वजह से इश्यू हुआ है, तो ऐसा कोई डाउट होगा तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसे रिवाइज करेंगे। तो डोंट वरी अबाउट द टॉपिक, हम लोग कोई भी टॉपिक को मिस नहीं करेंगे, हम हर एक टॉपिक को डिटेल के अंदर लर्न करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको अगर डाउट है तो वो सॉल्व कर देंगे। ओके, चलो, सो नाउ दैट्स इट फॉर टुडे, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, बाय एवरीवन।